नमस्ते एसडी किचन एंड इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ हरी धनिया की बहुत ही चटपटी चटनी, जैसा कि रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले या ठेले वाले बनाते हैं। इनकी चटनी बहुत ही चटपटी होती है। ये लोग अपनी चटनी में एक सीक्रेट डालते हैं जिससे चटनी का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है, चटनी बिल्कुल चटपटी बन जाती है। उसी सीक्रेट को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं हरी धनिया की बहुत ही चटपटी चटनी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में डाल देना है एक मीडियम साइज का प्याज, रफली चॉप्ड किया हुआ। यहाँ पे हम मोटे मोटे टुकड़े में कटा हुआ एक टमाटर ले लेंगे, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लेंगे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 4 हरी मिर्च लेना है जिसे मैंने 2-2 टुकड़े में काट लिया है, और 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे, 1 पिंच यहाँ पे हींग डाल देना है, और 1 कप बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। 1 छोटा चम्मच में नमक डाल रही हूँ, और 1/2 नींबू का रस डाल देना है। और अब हम चटनी को पीस लेंगे। जरूरत पड़ने पे ही पानी डालें, अगर पानी की जरूरत ना पड़े तो पानी ना डालें। और यहाँ हमारी चटनी पीस चुकी है, और इसे हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। और यहाँ हमारी चटनी पिस चुकी है। चटनी में अब ऐड करेंगे वही सीक्रेट जो ठेले वाले, रेस्टोरेंट वाले या ढाबे वाले डालते हैं, जिससे उनकी चटनी बिल्कुल चटपटी हो जाती है। चटनी में ऐड कर देना है 1 चम्मच फेंटी हुई दही, जिससे चटनी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, चटनी बिल्कुल चटपटी बन जाती है। अब चटनी में दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ हमारी बहुत ही चटपटी चटनी बन चुकी है। आप भी इस चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।